यूपी में बीते कुछ दिनों में हुई रेप की वारदातों ने एक बार फिर से माथे पर शिकन की लकीर उकेर दी हैं। एक बार फिर ये सोचना पड़ रहा है कि यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं भी या नहीं। आगरा से लेकर वाराणसी तक यूपी की बेटियों की इज्जत से खेलते भेड़ियों की हकीकत दिखाती है ये रिपोर्ट। शर्मिंदा है यूपी, शर्मिंदा है यूपी के वासी, क्योंकि दरिंदों ने यूपी के दामन पर फिर से दाग लगाया। शर्मिंदा है क्योंकि शहर शहर में छिपे शैतानों ने बेटियों की आबरू को भेड़ियों की तरह नोच लिया। ये कलंक कथा है ताज नगरी आगरा की, वो आगरा जो मोहब्बत की मिसाल है। वहां की काली रातों में सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें डराती हैं। तस्वीरें 21-22 दिसंबर की उस दरमियानी रात की हैं, जब मानसिक रूप से कमजोर लड़की पर भी दरिंदों को रहम नहीं आया। उस मजबूर के साथ ऐसी क्रूरता की कि उस लड़की ने दम तोड़ दिया। फुटेज एरिया के चेक करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन के पास चेक करने के बाद, एक व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ था, उसको थाना एतमाद दोनों टीम ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया गया है। उस महिला की अभी मौत हो चुकी है, बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। आगरा की यह वारदात शहर शहर की स्याह सच्चाई बयां कर रही है, लेकिन शर्मिंदा सिर्फ आगरा ही नहीं है, वाराणसी के माथे पर इस काली सच्चाई का कलंक लगा है। जहां रेप जैसी वारदात पर पुलिस की कार्रवाई न करने से परेशान एक परिवार अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। पुलिस की कार्यशैली से आहत परिवार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मामला ये हुआ कि ये परिवार बहुत दिनों से प्रताड़ित है और पुलिस प्रताड़ना से अजीज आकर के ये कई दिनों से हमसे कह रहे थे कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मैं ये कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, और आज उसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, परिवार सहित जहर। यूपी में दरिंदगी की ये कोई एकाध वारदात नहीं, बीते दिनों के अंदर मऊ, मुरादाबाद, उन्नाव जैसे बेशुमार शहरों में इंसानी रूप में छिपे भेड़ियों ने यूपी को शर्मिंदा किया। सरकार ऐसे भेड़ियों को सबक सिखाने और ऐसी दरिंदगी पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, मगर जिस खाकी के सहारे सरकार महिलाओं को बेहतर माहौल देने की कोशिश करती है, उस खाकी की करतूतें सरकार का भी सिर झुका रही है। शायद यही वजह है कि बेटियां पूछने को मजबूर हैं कि कब तक बेखौफ भेड़िए बेटियों की आबरू को यूं ही लूटते रहेंगे। कब तक बेटियां डर की बेड़ियों में जकड़ी रहेंगी और कब तक दरिंदे कानून से यूं ही खेलते रहेंगे, जरा सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएनटीवी।